क्लास 11 चैप्टर 9 और सीक्वेंस एंड सीरीज आपका चैप्टर चल रहा, उसमें हमारी एक्सरसाइज चली 9C का क्वेश्चन नंबर 9 पाले। क्वेश्चन नंबर 9 में द सम ऑफ 15 टर्म ऑफ एपी इज 0, 15 टर्म का सम 0 है, इट्स फोर्थ टर्म इज 12, इसकी जो फोर्थ टर्म है वो 12 है, फाइंड इट्स 14 टर्म, इसकी 14 टर्म निकालो। तो 14 टर्म निकालने के लिए हमें दो चीजें रखी, एक तो दे रखी S15 की वैल्यू कितनी है 0, और फोर्थ जो फोर्थ टर्म है वो कितनी है 12। तो हमने पहले S15 का फॉर्मूला लगाया, 15 upon 2 2a plus 15 minus 1 into d, और फिर हमने इसमें लिख दिया S15 की जगह 0 और इसकी जगह 15 upon 2 2a plus 14d 0, ये 15 upon 2 चला गया 0 में, इन दोनों में से दो कॉमन लिया, a plus 7d = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसके बाद में हमारे दूसरी जो हमें कंडीशन दे रखी है वो दे रखी फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगा a plus 4 minus 1 into d, t4 का मान रखा 12, a plus 3d, तो यहाँ हमारी इक्वेशन बन गई a plus 3d = 12। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, a से a कट गया, 7d minus 3d = 4d, 0 minus 12 upon 4 से डिवाइड कर दिया, माइनस का 3 आएगा d की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में पुटिंग d = -3 इन इक्वेशन फर्स्ट में d की जगह -3 रख दिया, तो यहां लिख दिया a plus 7 minus 3 = 0, a minus 21 = 0, a = 21, तो d की वैल्यू आ गई -3, a की वैल्यू आ गई +21, और हमको जो फाइंड करना वो निकालनी 14 का, तो t 14 निकालनी है, a plus 14 minus 1 into d फॉर्मूला लगाया, a की वैल्यू रखी 21, ये आ गया 13 और d की वैल्यू रखी -3, तो 21 minus 39 = -18, तो ये आ गई 14 ग्राम -18। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 11 अलग है। उस क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना, फाइंड द सम ऑफ m एंड n टर्म ऑफ n ap, ap की m और n टर्म का सम दे रखा n और m, प्रूव दैट सम ऑफ द m प्लस n टर्म विल बी माइनस के m प्लस n, तो सम ऑफ m प्लस n टर्म विल बी माइनस के m प्लस n हो गया, ये हमें प्रूव करना। हमने निकाला Sm = m/2 2a + n-1 × d, ये फार्मूला वही है sn वाला, n की जगह m आ गया, तो इसकी वैल्यू है हमारी n, m/2 2a m-1 × d, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी 2m = अंदर मल्टीप्लाई करी 2am, n के अंदर मल्टीप्लाई करी m²-m × d, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, बिल्कुल ऐसे ही हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दिया हमने, पहली इक्वेशन ये लिख दी ऊपर, दूसरी इक्वेशन ये लिख दी, इसको इसमें से माइनस करा, 2 कॉमन लिया n-m, यहां पे 2a कॉमन ले लिया m-n, इसमें d कॉमन ले लिया, तो पहले वाली टर्म m²-m, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, n²+m हो जाएगी, इसमें से माइनस का 2 कॉमन लिया m-n बच गया, यहां 2am-n है, इसमें m²n² वाली टर्म एक जगह लिख दी, और ये बाद की जो दो टर्म है इसमें से माइनस कॉमन ले गए m-n, और ये बाहर आ गया d, माइनस के 2m-n 2am-n, इसके दो फैक्टर, एक प्लस का एक माइनस का, ये एलजीब्रिक, इन दोनों में से m-n कॉमन ले दिया पूरे एलजीब्रा से, तो ये एलजीब्रिक m-n कॉमन ले लिया, यहां बच गया 2a + m + n, इसकी जगह आएगा -1 × d, इससे कट गया -2 आ गया, -2 2a + m + n - 1 × d, Sm+n का फार्मूला निकालना है, Sm+n = m+n / 2a + m + n - 1 × d, फार्मूला लगाया, इसमें n की जगह m+n आ गया, तो यहां पे m+n / 2, यहां 2a + m + n - 1 × d, इसकी वैल्यू ऊपर की इक्वेशन में -2 दी हमने, -2 से -2 कट गया,